इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। देखिए, विषय बड़ा सिंपल है कि 2015 में दिल्ली की विधानसभा का चुनाव हुआ था और अभी 2020 के अंदर 5 साल के बाद दोबारा से चुनाव हो रहा है दिल्ली में। अनफॉर्चुनेटली विधानसभा में 1993 के अंदर हमारी सरकार बनी थी, 1993 से 98 में हमारी सरकार रही। उस समय आप सब जानते हैं कि मदनलाल खुराना जी, बाद में साहब सिंह वर्मा जी, उसके बाद हमारी सुषमा जी, ये हमारे चीफ मिनिस्टर गए। उस 5 साल उस सरकार के अंदर मुझे मंत्री रहने का भी इन तीनों की कैबिनेट में मौका मिला। पूरे 5 साल हेल्थ मिनिस्टर के रूप में काम करने का मौका मिला, 3 साल उसमें से एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में भी काम करने का मौका मिला, लॉ मिनिस्टर के रूप में भी काम करने का मौका मिला। 1998 में अनफॉर्चुनेटली हमारी आलू प्याज, प्याज में अगर हम कहें आलू तो नहीं, प्याज के अंदर जो है, अब पता नहीं होता कहते वो प्याज तो बेचारी बदनाम हो जाती है, उसकी सरकार आनी जानी होती है प्याज के। अब वो प्याज को ऐसा बदनाम लोगों ने कर दिया है कि जब भी सरकार आती जाती है अगर उस समय प्याज का कुछ हो रहा हो तो जो है वो कहते हैं प्याज की वजह से आ गई, और जो सरकार हार जाए जीत जाए तो कभी कहते हैं प्याज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कभी कहते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये प्याज ही जो है ये हर बार ऐसा पता नहीं क्यों कारण बनती है। 98 से लेकर 2020 तक अनफॉर्चुनेटली हमारी असेंबली के अंदर जो है सरकार नहीं बनी, जबकि इस बीच में पार्लियामेंट के बहुत सारे चुनाव हम लोगों ने जीते, 7 में से 7 सीटें हम लोगों ने जीती हैं, 14 में जीती, 19 में जीती, 99 में जीती, और भी बीच बीच में जो है 7 में से 6 सीटें भी हम लोग जीती हैं। कॉरपोरेशन का चुनाव भी हम लोगों ने 1994 के बाद 1997 में जीता, उसके बाद 2007 में जीता, फिर 2012 में जीता, उसके बाद 2017 में जीता। लेकिन शायद कोई ऐसा कोई, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कोई ग्रैंड लगा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव आता है तो बीजेपी को पता नहीं क्या होता है। लेकिन जस्ट टू पुट द थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव, मैं केवल इतना ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी 2015 में जो सरकार बनी देश में, देश की राजधानी में, इसका आपको सबको इतिहास भी पता है। बहुत पवित्र आंदोलन दिल्ली के अंदर शुरू हुआ अन्ना जी के नेतृत्व में, और बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे, वो सब इस भाव के साथ, उस आंदोलन के साथ जुड़े थे कि उस आंदोलन के अंदर ऑनेस्टी की बात होती थी, वैल्यूज की बात होती थी, प्रोबिटी पब्लिक लाइफ की बात होती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की बात होती थी, नए युग को प्रारंभ करने की बात होती थी और नया भारत बनाने की बात होती थी, निस्वार्थ भाव से काम करने की बात होती थी। लेकिन उसी आंदोलन में से आप जानते हैं कि अन्ना जी को टिच करके कुछ लोग बाहर आए, contrary to what they had said to the people, उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, और राजनीतिक दल बनाने के साथ साथ देश के हर पॉलिटिशियन को उन्होंने करप्ट बताया, हर पॉलिटिकल पार्टी को करप्ट बताया, अपनी एक पार्टी बनाई, बहुत लंबे चौड़े प्रोमिस किए,
प्रॉपर्टी के बारे में दिन रात कस्में खाई, भ्रष्ट लोगों के साथ कभी किसी तरह का ताल्लुकात नहीं रखेंगे, इसके लिए बच्चों की कस्में तक खाई। और फिर हमने देखा कि वो लोग अचानक एक दिन चुनाव के अंदर उतर गए, 2013 के अंदर। 2013 में मैं दिल्ली में पार्टी का इलेक्शन के समय मुझे फेस बनाया गया था, मुझे आगे करके दिल्ली का चुनाव लड़ा गया था। और 1998 के बाद 2013 तक में पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो सफलता प्राप्त की 98 के बाद, वो 2013 के चुनाव में प्राप्त की। हमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिला, सबसे ज़्यादा सीट्स मिली, बीजेपी नंबर वन पे रही। सबसे पहले हमारी पार्टी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनवाइट किया गवर्नमेंट बनाने के लिए। और हमने, चूंकि हमारी 3-4 सीटें कम थी, हमने रिफ्यूज किया। और जब हम एलजी को मिलने गए थे तो अंदर हम करीब उनके साथ आधा घंटा रहे, और बाहर सारा मीडिया था, सारा हिंदुस्तान का मीडिया, सारे लोग टेलीविजन पे बैठे ये सोचते थे कि अंदर वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की डिटेल चल रही है। लेकिन मैंने तो उनको जाकर विद इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स उनको बोल दिया था कि सर आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, अभी हमें पूरी सपोर्ट नहीं मिली है और हम कोई मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने कहा 2-4 आदमी तो मैनेज करना बहुत आसान काम होता है, कौन सी मुश्किल है, जिसको बोलोगे तुमको मंत्री बना देंगे, साथ में वो आके खड़ा हो जाएगा। बहुत लोग इस तरह का प्रयास भी करते थे, लेकिन हमने रिफ्यूज किया। और आधा घंटे तक हम लोग, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, हम लोग अंदर बैठ के स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते रहे, हम और नजीब जंग साहब। जब बाकी हिंदुस्तान में लोग समझ रहे थे अंदर सरकार की फॉर्मेशन पर डिस्कशन हो रहा है, तो हम लोग जो है वो अपना किस्सा सुना रहे थे, मैं अपना किस्सा सुना रहे थे कि भाई एक व्यक्ति के जीवन में माता पिता का क्या रोल होता है, उसके ऊपर हम लोग स्पिरिचुअल डिस्कशंस कर रहे थे। अच्छा, दिस मे साउंड वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी यू कैन से ऑफ द ट्रैक थिंग फॉर यू। तो हमने कहने का अभिप्राय कि हमने सरकार बनाने से रिफ्यूज कर दिया। वी वर द लार्जेस्ट पार्टी, वी हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, वी हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलएज हु वॉन। और उसके कॉन्ट्रास्ट में इनको हमसे कम सीटें मिली थी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी, जिसको ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते थे, उसके एमएलएज के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली, सरकार को 49 दिन तक चलाया। और 49 दिन के बाद इस्तीफा देके जब गए तो इशू आपको याद दिलाना चाहते हो, लोग भूल जाते हैं क्योंकि पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। तो इन्होंने जन लोकपाल के नाम पर जो है वो सरकार से इस्तीफा दिया, कांग्रेस को ब्लेम किया कि हमें सपोर्ट नहीं कर रही है इस इशू पे। और फिर 2014-15 के अंदर ये चुनाव के दोबारा मैदान में आए, इनको रिकॉर्ड विक्ट्री मिली, दिल्ली के लोगों ने इतना फेथ इनके अंदर दिखाया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की प्रोबिटी के बारे में, वैल्यूज के बारे में, जनता के हित के बारे में। और फिर हमने देखा कि शायद 2015 से लेकर 2020 तक हमने उनके मुंह से कभी जन लोकपाल वर्ड दोबारा नहीं सुना है, उसका कानून बनाने की तो बात दूर। 4.5 साल तक दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया किसी तरह का, अगर कोई कहीं पे किसी ने कोई फ्लाईओवर नया देखा हो जो इन्होंने बनाया हो, किसी ने कोई नया स्कूल देखा हो, किसी ने कोई नया अस्पताल देखा हो, तो सड़क के ऊपर जो ओल्ला क्लिनिक बनाए जिनमें जानवर घूमते हैं, वो तो जरूर आप में से कोई बता सकता है कि आपके इलाके में भी होगा, लेकिन इसके अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई किसी तरह का। और अभी आखिरी 5 महीने में दिन रात एडवर्टाइजमेंट देकर, स्पॉन्सर्ड टेलीविजन पे प्रोग्राम करके, झूठ पे झूठ बोल के वो एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि असाधारण उन्होंने काम किया है।
इसके कॉन्ट्रास्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी इसी समय में साथ साथ सरकार देश के अंदर बनी 2014 में, 2015 के चुनाव के बाद आपने देखा कि 17 का चुनाव आया दिल्ली में कॉरपोरेशन का। दिल्ली के लोगों ने 3 साल नरेंद्र मोदी जी का काम देखा था, 2 साल इनका देखा था, 5 साल हमारी कॉरपोरेशन का देखा था और लोगों ने तय किया कि कॉरपोरेशन के अंदर हमें जिताया। 2019 का चुनाव आया, लोग 5 साल प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख चुके थे, इनको भी 4.5 साल देख चुके थे कि ये क्या काम कर रहे हैं और हमारी जो नई कॉरपोरेशन 2017 में बनी थी उसको भी 2 साल देख चुके थे और उसके बाद फिर दोबारा लोगों ने इवैल्यूएट किया, इनको रिजेक्ट किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इनको 2015 में 70 में से 67 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन 2019 में 70 में से 65 स्थानों पर इनको पराजय का सामना करना पड़ा, अधिकांश स्थानों पर इनकी जमानतें जब्त हो गई। जिस पार्टी को 56% वोट मिला था वो 16% पर आ गई और जो बीजेपी 2017 में 32-34% से कॉरपोरेशन जीती थी वो फिर 56% पे पहुंच गई, कांग्रेस 9% से 26% पर पहुंच गई और लोगों ने 4.5 साल इनका काम देखने के बाद इनको फिर रिजेक्ट किया। और इस 5 साल में इनके जो वादे इन्होंने किए थे अब इनके वेबसाइट पर वो सब गायब कर दिया इन्होंने, अभी ये पब्लिक डोमेन में से हटा दी सारी चीजें क्योंकि अब कोई उनको पढ़ ना पाए, हम लोगों के पास तो उसका सब चीजों का रिकॉर्ड है, अपने अकाउंट्स अपने खाते इनको कितने डोनेशंस मिले वो सब वेबसाइट से हटा दी क्योंकि सबके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई पिछले 5 साल में। लेकिन सबसे जो दुखद बात है और मैं ये समझता हूँ कि भ्रष्टाचार और ये सब तो है ही है, 2-3 दर्जन तरह तरह के केसेस के साथ इनके एमएलए बीच में इन्वॉल्व हुए, कितने एमएलए के खिलाफ एफआईआर हुए, कितने जेल की भी हवा खाए, कितनों के केसेस अभी भी चल रहे हैं, एक केस का तो अभी देखा आपने फैसला हुआ नकली डिग्री वाले केस का, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर रहा वो जब जब ऐसा मौका आया कि सारा देश राष्ट्रवाद के साथ खड़ा था तो ये हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए पाए गए। अफजल गुरु को इन्होंने सबसे पहले शहीद बताया और वो लोग जो नारे लगाते थे जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे, अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सारे लोग इनके समर्थन में दिल्ली में सबसे पहले कोई आकर खड़ा हुआ तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री खड़ा हुआ और एक नहीं लगातार ऐसे अनेक घटनाएं हुई, काम किया नहीं किया वो बर्दाश्त हो सकता है लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, पहली बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो फिर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत क्या है, जवानों की काबिलियत के ऊपर, उनके जज्बे के ऊपर, उनकी बहादुरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और हद तो अभी हो गई जब ये जो जामिया मिलिया के अंदर घटना हुई इनके अपने एमएलए ने किस प्रकार की बातें की, कितना दिल्ली के अंदर लोगों को भड़काकर दंगे फैलाने की कोशिश हुई, आज भी जो है लोग धरना देकर बैठे हैं और आज शाम को भी अभी मैंने ट्वीट किया इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम जो शाहीन बाग के अंदर धरना देकर बैठे हैं उन लोगों के साथ खड़े। अब नरेंद्र मोदी का क्या कसूर है अगर उन्होंने देश से धारा 370 हटाकर जो शायद हर भारतवासी के लिए एक उसका जीवन का सपना था उस सपने को साकार किया,
नरेंद्र मोदी का क्या कसूर कि उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसा बिल लाकर उन मुस्लिम बहनों के लिए कानूनी उनको सहायता करके और पार्लियामेंट में कानून बना दिया। नरेंद्र मोदी जी का क्या कसूर था कि भारत के अंदर राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो इसके पीछे कितनी वर्षों की कितने लोगों की मेहनत थी, सरकार ने भी उसके लिए कितना पीछे से सब प्रकार का सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किए और कितने लोगों ने कितनी तपस्या की, कितने लंबे लंबे उसके लिए अध्ययन किए गए ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान राम का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन और आज अगर जो CAA का कानून पास किया गया तो उसके खिलाफ इतना बड़ा हुड़दंग देश के अंदर राजधानी में मचाया हुआ है, उसके साथ खड़े हुए हैं। अब जो हिंदू लोग, दलित लोग, क्रिश्चियन लोग, बौद्ध लोग, जैन लोग, सिख बंधु, ये सारे लोग अगर पाकिस्तान में उनको प्रताड़ित किया गया, अभी तो पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के गुरुद्वारे के अंदर घटनाएं हुई और वहां उनको प्रताड़ित किया गया, बेचारे अपना देश भारत समझ के या भारत में आए तो उनको अगर नागरिकता दी तो इसमें कौन सा अन्याय किया, कौन सा जुल्म किया, कौन सा गलत काम किया। 100 बार कम से कम देश भर में स्टेटमेंट, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी जा चुकी है कि एक भी हिंदुस्तान का नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी नागरिकता के ऊपर कोई किसी तरह का, इसे कहते हैं, खतरा नहीं मंडरा रहा। लेकिन उस सब के बावजूद भी उन सब लोगों के खिलाफ, उन सब लोगों के साथ खड़े होकर दिल्ली के हमारे रूलिंग पार्टी के नेता आज नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़े हैं। एक नरेंद्र मोदी जी को मैंने 6 साल नजदीक से काम करते हुए देखा है और ये भी देखा है कि जो कुछ देश के हित में है, समाज के हित में है, जनता के हित में है, उस निर्णय को, उस फैसले को करने में वो किसी बात की परवाह नहीं करते। हमने सबने देखा कि डीमोनेटाइजेशन उन्होंने किया, एक ही मिनट में 8 तारीख को 8 बजे मेरे ख्याल से जब फैसला किया था, लोगों को तकलीफ सबको हुई, सबको लाइन में लगना पड़ा, लंबी लंबी लाइनों में, लेकिन उफ किसी ने नहीं किया क्योंकि लोगों को लगता था कि आदमी की नियत में कोई खोट नहीं है, उसकी इंटेंशन जो है वो पवित्र है। GST लेके आए और भी बहुत बड़े बड़े फैसले किए, जो भी राष्ट्रहित में था उस फैसले को करने में उन्होंने संकोच नहीं किया और आज भी वो डंके की चोट पर कहते हैं, हम लोग तो कैबिनेट में बात होती है कि जो कुछ देश के हित में है उसको करने में मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतने धरने, इतने प्रदर्शन, इतना सब कुछ देश में कराया जा रहा है और ये कराने वाले सब राजनीतिक दल के लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पाटला एनकाउंटर के अंदर जो इंस्पेक्टर शर्मा जिसकी डेथ हुई थी उसको सबको फेक एनकाउंटर और क्या क्या बातें कही थी उसके संदर्भ में दिग्विजय सिंह ने जाके आजमगढ़ में क्या बयान दिए थे, ये देश भूला नहीं है वो सारी बातें। इन सब बातों के कारण मैं ये मानता हूँ कि ये जो चुनाव है ये BJP दोबारा आएगी दिल्ली में, असेंबली में कौन MLA बनेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या राष्ट्रवादी ताकतें या राष्ट्रवाद के लिए समर्पित भाव या क्या हमारा देश इसमें राष्ट्र धर्म की भावना इसको अक्षुण रखने में भारत की राजधानी के लोग सफल होंगे या नहीं, या लोगों को गुमराह करके या थोड़ा सा फ्री का पानी और बिजली देकर बहकाया जा सकता है। अगर फ्री बिजली पानी से बहकाया जा सकता होता तो 2015 के बाद 17 के चुनाव में भी इनको पराजय का सामना ना करना पड़ता, 19 के अंदर भी पराजय का सामना ना करना पड़ता। लोगों को ऐसे छोटे छोटे प्रलोभन देकर ना तो खरीदा जा सकता है। ये समय समय पर जब भी देश के लिए लोगों की जरूरत पड़ी, लोगों ने अपने कर्तव्य को पूरी गहराई से उसका पालन किया है।
इन्होंने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया, कोई एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, जैसा मैंने कहा। और अगर मैं आपके सामने अभी गिनाना शुरू करूं तो दिल्ली में हमारी सरकार ना होते हुए भी पिछले 5 साल में कितने काम किए हैं, तो आपको सुनकर खुद आश्चर्य होगा। आपको आपको लगेगा कि अरे हम दिल्ली में रहते हैं, हमको पता नहीं इतना काम दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अभी आप लोग दक्षिण दिल्ली के अंदर रहते हैं, एक तरफ से अगर आप शुरू करेंगे तो ध्यान में आएगा कि ये ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, द्वारका का एक्सप्रेसवे, ये महिपालपुर नॉर्थ महिपालपुर और एयरपोर्ट से कनेक्ट करने वाला आपका बाईपास, ये धौला कुआं के ऊपर जो बाईपास है, अभी द्वारका में चले जाइए, वहां पे 26,000 करोड़ रुपए के खर्चे से भारत सरकार इसी 5 साल में कैबिनेट में पास करके वो दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना रही है 26,000 करोड़ रुपए के खर्चे से। वही द्वारका के अंदर भारत वंदना पार्क बनाया जा रहा है 26 हेक्टेयर भूमि में, जो देश का सबसे ऐतिहासिक पार्क होगा, सारा मिनी इंडिया वो एक प्रकार से मिनी इंडिया के रूप में डेवलप होगा। दिल्ली से मेरठ के बीच में कनेक्ट करने वाली 6 से लेकर 16 लेन का इतना बड़ा हाईवे डेवलप हो रहा, रेल की कनेक्टिविटी डेवलप हो रही है 1,000 करोड़। अभी प्रगति मैदान के ऊपर 22,000 करोड़ रुपए का प्रगति मैदान नए सिरे से विकसित हो रहा है। प्रगति मैदान के नीचे सुरंग बन रही है जो आईटीओ को और भैरव मार्ग को कनेक्ट करेगी। 50,000 कार इधर का ट्रैफिक और 50,000 कार उधर का ट्रैफिक ये यूज आउट हो जाएगा। उसके ऊपर 9,28,16,00,000 रुपए उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, 2021 में पूरी हो जाएगी। अभी आपके साउथ दिल्ली में भी 200 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक, जिसका 35 किलोमीटर का फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन हुआ है, अभी आपको ध्यान होगा आपके अखबारों में पढ़ा, अमित शाह जी ने उसको इनॉग्रेट किया। सारे दिल्ली को साइकिल की कनेक्टिविटी, साइकिल ट्रैक, पैदल ट्रैक, हेल्थ की दृष्टि से भी फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। आईटीओ पे आप ऊपर देखिए तो 6 लिफ्ट लगा के जो स्काई वॉक कितना बड़ा डेवलप किया गया है, राजघाट ऐसा कभी डेवलप नहीं किया गया जो इस 5 साल के अंदर डेवलप किया गया है। अम्बेडकर जी का कन्वेंशन सेंटर जनपद के ऊपर इंटरनेशनल स्तर का बनाया गया, वो जहाँ पर उनका अंतिम समय दिल्ली में दिल्ली असेंबली के पास बीता वहाँ पे इतना बड़ा मेमोरियल उनके लिए बनाया गया है जी। अटल जी की इतनी खूबसूरत सदैव अटल करके समाधि बनाई गई, दीनदयाल उपाध्याय पार्क बनाया गया, मेट्रो का शायद सबसे, इन्होंने तो 2 साल अड़ंगे लगा के मेट्रो के फेज को डिले किया, मेट्रो का जो नया फेज 4th फेज का जो अगली जहाज लाइनें जोड़नी थी, इतने सारे काम है। ये मैंने सिर्फ एक आपको हल्का सा खुलासा दिया कि लगभग, और फिर इतनी सारी जो दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, झुग्गी झोपड़ी की प्रॉब्लम्स थी, ये लोगों को लोग हर चुनाव के पहले लोगों को मिसगाइड करते थे, बहकाते थे, सबका समस्याओं का सबसे समाधान जो है प्राइम मिनिस्टर के समय में हुआ। यानी इन्होंने दिल्ली में सरकार में रहते हुए जो कुछ किया, जो सरकार के बाहर रहते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में किया, उसका दूर दूर तक कोई किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं है। ये जिसे कहते हैं कि एक प्रकार से जो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो है कॉपरेटिव फेडरलिज्म का जो आदर्श मॉडल होना चाहिए, उसको तो लात मार के ये कॉम्पिटिटिव और गाली गलौज वाला फेडरलिज्म उसको दिल्ली के अंदर पर पा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कह लीजिए उसको, क्या कह लीजिए, 4.5 साल प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज करते रहे, और अभी हमारे आपके पैसे से दिन रात प्रचार करके दुनिया भर के होर्डिंग लगा के टेलीविजन पे स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट देके, और अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट है उन्होंने फ्री आपको 200 यूनिट पानी दिया है। कौन सा पानी दिया है, जिसके बारे में जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कहा कि हमने हिंदुस्तान के 21 प्रदेशों का पानी टेस्ट किया, सबसे गंदा पानी जो है वो दिल्ली का निकला। मैंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हूँ, हेल्थ के साथ तो दोनों विषय मेरे साथ जुड़े थे, तो मैंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग करके समझने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा साहब 20 प्रदेश जहाँ पे पानी में खराबी निकली, उन प्रदेशों के मंत्रियों ने, ऑफिसर्स ने हम लोगों को बुलाया
हमसे इसकी साइंस समझे, इसके कारण समझे, इसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्यों ऐसा है कमी, इसके बारे में ये एक अकेले चीफ मिनिस्टर हैं जो हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो है जो जिसे कहते हैं सैंक्टिटी के ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और ये जो है इसी को जो है ये देश की इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्था है 1948 से इसका जन्म हुआ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, हजारों चीजों के स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करती है। तो वो गंदा पानी जिसको जिसके लिए जिसके साथ में कितने सारे इनके रैकेट जो है टैंकरों के और दूसरे किस्म के चलते हैं, तो और जो बिजली के अंदर भी जो फ्री दिया तो बहुत सारे लोग जानते हैं जो समझदार लोग हैं कि कितना इन्होंने बिजली कंपनियों के साथ सांठ गांठ करके फिक्स चार्जेस के अंदर जो है लोगों को जो है धोखा दिया। जो इंडस्ट्री वाले दूसरे वाले लोग जानते हैं कि उनको कितनी बिजली जो है महंगी मिल रही है। इतनी लंबी लंबी बातें की थी कि बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे, 5 साल में कोई बिजली कंपनी का कोई किसी किस्म से ऑडिट नहीं किया और कोई अचीवमेंट नहीं है सिवाय हमने एक पानी फ्री दिया, बिजली फ्री थी 200 यूनिट और तीसरी चौथी चीज इनके पास कोई नहीं है। 500 स्कूल बनाने के लिए वादा किया था, एक तो बनाते, एक भी नहीं बनाया इन्होंने। और कुछ स्कूलों में कमरे उमरे बढ़ा दिए, वो कमरे भी जो बढ़ाए तो जो कॉर्पोरेशन 4 लाख रुपए में जो कमरा बनाती है इन्होंने 9 लाख में 15 लाख में इसमें बनाए कमरे, उसमें भी 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। तो कहने का भी था ये है कि सारी बातें आपके सामने हैं और ये दिल्ली का चुनाव अनेक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी ये इसका चुनाव है, इसमें ये शिखर आए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो है कौन जीतेगा कौन हारेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या राष्ट्रवाद अक्षुण रहेगा कि नहीं रहेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक शिखर आए जी का प्रश्न है, हम सब जानते हैं तो इसी क्षेत्र में रहने वाली है और एक लीडिंग लॉयर है, हमारे पार्टी में भी बहुत उन्होंने वर्षों तक काम किया है, हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है, एजुकेटेड सोबर महिला है और वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में आई। तो आप सबसे हमारा यही अनुरोध है कि आप सब समझदार इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन खाली आपका अपना नहीं, लेकिन आपके माध्यम से किस प्रकार से आप जो सच्चाई है उसका स्मरण लोगों को कराएं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपके जैसे शिक्षित लोग समाज में सही बात को सही ढंग से लोगों के बीच में रखेंगे तो जो झूठ के दम पर और बरगला कर बहका कर मिसगाइड करके गुमराह करके प्रचार की सहायता से जनता का, हमने हिसाब लगाया तो 20 साल में जितना बीजेपी और शीला दीक्षित की सरकार ने शायद प्रचार पे खर्च नहीं किया होगा अखबारों में, उतना ही मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर खर्च कर देते, ये वास्तविकता है। और ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारा आपका है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पैसा जो है इन्होंने कोई अपनी जेब से खर्चा किया है। और फिर हम सब जानते हैं कि कितने इन्होंने गाली गलौज बड़े बड़े नेताओं को की, उसके बाद बड़े बड़े नेताओं ने जब इनके पर डिफेमेशन के केस किए तो कैसे उनसे माफिया मांगी है और इतने बड़े बड़े वकीलों को रखा, उनका सबका खर्चा, राम जेठमलानी साहब जिंदा नहीं है, उनका करोड़ों रुपए के बिल जो है ये इन्होंने जो है अपने सरकारी कोच से यानी हमारे पैसे से जो है, गाली देने के समय आपको जो है किसी ने ये नहीं कहा था कि गाली आप क्यों दे रहे हैं और माफी मांगने के समय जो है माफी क्यों मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे के ऊपर आपका अधिकार कहां से हो गया? ये पिछले दिनों आपने जो कैनेडा में लेडी जयसिंह जो एडवोकेट इंदिरा जयसिंह या किसी को आरटीआई लगा के पता करिए कि 5 साल में कितना इनको जो है कितने केसेस इन्होंने दिए, कितनी इनकी प्रॉक्सिमिटी है, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच की बात अभी तो उनके साथ खड़े हुए थे, आज वो जो है सिफारिश और वकालत कर रही है कि उसके निर्भया के जो रेपिस्ट हैं उन लोगों को जो है
माफ कर दिया जाए और इनके तरफ से कोई एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रही। आज ओपनली मैंने अभी शाम को ट्वीट किया, आज ओपनली टीवी कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया कह रहे हैं हम तो शाहीन बाग के धरने वालों के साथ खड़े हैं। ये सारे ज्वलंत प्रश्न हैं, आप लोग स्वयं से निर्णय लीजिए, खाली डॉर्मेंट आप ना रहे और एक्टिवली इस विषय को, इसकी गहराई गंभीरता को समझकर दिल्ली को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर, मैंने आपको सिर्फ जो उल्लेख किया है कुछ चीजों का, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी जितने काम दिल्ली में तरह तरह के हुए उनका ये टिप है सिर्फ, अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। और अगर दोनों सरकारें दिल्ली में हो तो दिल्ली में कॉरपोरेशन में, दिल्ली में असेंबली में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ मिलकर दिल्ली को किस स्तर तक पहुंचाया जा सकता है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एक आदर्श उदाहरण है वो प्रस्तुत हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है और आप इस बात की गहराई गंभीरता को समझकर निश्चित रूप से आने वाले 8 तारीख को अपने परिवार के साथ, अपनी सोसाइटी में, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, दिल्ली में जहाँ भी आपके मित्र रहते हैं उनके साथ बात करके आप जब कमल का बटन दबाएंगे तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि दिल्ली के लिए एक बहुत सालों के बाद एक नया जो भविष्य है, उज्ज्वल भविष्य, वो उजागर होना शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने प्रतीक्षा की और मेरी बात धैर्य से सुनने के लिए।